नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद और एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर एक नया टूल लेकर के आया हूँ, एआई का एक नया टूल लेकर आया हूँ, बहुत जबरदस्त, जो आपके फोटोज को, आपके फोटोज के पीछे जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकता है। जो आपने पहन रखा है शर्ट, टी शर्ट, कोट, पैंट, आपकी इच्छा अनुसार वो कुछ भी कर सकता है। जबरदस्त एआई टूल जो आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, आप फोटोशॉप का यूज करते थे, पिक्स आर्ट का यूज करते थे, जिसमें आपको फोटो एडिट करने में बहुत टाइम लगता था। इस एआई टूल की वजह से आपका काम मिनटों का काम सेकंडों में होगा। बहुत ही दो, बस केवल एक क्लिक करना होगा, आपका बैकग्राउंड चेंज, आपने जो पहन रखा है शर्ट टी शर्ट वो चेंज, आप जैसा चाहते हैं वैसी आपकी फोटो बन जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर इसलिए करता है कि जिनको नहीं पता इस वीडियो के बारे में उनको पता चले। दोस्तों, देख रहे हैं हमारा चैनल, क्योंकि मैं डेली एक नया टेक्निकल, कुछ नई चीज़ अपने इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए टेक्निकल। तो दोस्तों, मैं आ गया अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लूँगा। मैंने गूगल क्रोम खोल लिया क्योंकि मेरे मोबाइल में गूगल क्रोम है, ठीक है। उसके बाद सर्च बार में डालूँगा उस वेबसाइट, उस टूल्स का नाम जिससे हमें अपने फ़ोटो में ज़बरदस्त एडिटिंग करनी है, बस केवल सिंगल क्लिक में। यहाँ पर दोस्तों डालना है हमको firefly.adobe.com, सब स्मॉल में रहेगा, firefly.adobe.com। इस वेबसाइट की सहायता से आप ज़्यादा मेहनत किए बिना सिंगल क्लिक में अपने फ़ोटो को एक नया लुक दे सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और जो भी पहन रखा चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड इंटरफेस खुलेगा। मैंने ऑलरेडी इस टूल को लॉगिन कर रखा है, आप भी लॉगिन कर लीजिएगा यहाँ पे राइट साइड पर क्लिक करने के बाद। और नीचे ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पर जनरेटिव फिल, जनरेटिव फिल में आप इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। जनरेटिव फिल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का खुल करके आ जाएगा, यूज़ ए ब्रश टू रिमूव ऑब्जेक्ट टू पेंट न्यू वंस। अब यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन दे रखा है, आप जिस भी फोटोज़ में, जिस भी इमेज में आपको एडिटिंग करनी है उस फोटो को आप गैलरी में जा करके उस फोटो को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं ये फोटो को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जिसमें मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रहा हूँ और एक गॉगल लगा रखा हूँ। मैंने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखेंगे, लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन, बाकी नीचे में चार पाँच ऑप्शन। तो सबसे ऊपर वाला जो दोस्तों ऑप्शन है वो इंसर्ट का है, नीचे वाला इरेजर का है, ये ब्रश का ऑप्शन है। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन है, तो इस सेटिंग में क्लिक करके अपने ब्रश को इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी हमको चाहिए। तो दोस्तों चलिए, हम सबसे पहले अपने टी शर्ट को हटा के कुछ शर्ट या कोट या जो भी पहनना चाहते हो पहन सकते हो। तो चलिए, मुझे कोट पसंद है, मैं कोट को सेलेक्ट करता हूँ। तो पहले इरेजर से मैं अपना पूरा टी शर्ट को ऐसे ऐसे इरेज कर दूंगा। फिर उसके बाद ऊपर वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इरेजर के ऊपर जो ऑप्शन दे रखा है, ये एरो जो एरो दिखा रहा है, ये इंसर्ट का ऑप्शन। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स नीचे खुल करके आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप जो भी क्लॉथ चाहते हैं, शर्ट, पैंट, कोट, जो भी चाहते हैं आप वहाँ पर टाइप कर लीजिए। मुझे कोट पसंद है तो मैं कोट टाइप कर लेना, उसके बाद जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। जनरेट पर क्लिक करूँगा तो बहुत सारे यहाँ पर कोट के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हमें जो भी अपने इमेज के अनुसार, पिक्स के अनुसार जो भी हमें कोट चाहिए या शर्ट चाहिए या पैंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मुझे ये पसंद आ गया तो ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ मोर का ऑप्शन है, आप और भी चाहिए तो आप मोर पर क्लिक करेंगे तो और ढेर सारे कोट के ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए ये देखिए, तरह तरह के कोट, जैसा चाहते हैं आपके फेस के अकॉर्डिंग, इच्छा अनुसार जो भी आप कोट चाहते हैं उस तरह के कोट आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप कीप पर क्लिक कर देंगे तो रुक जाएगी वहीं पे। उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे बैक साइड का जो बैकग्राउंड, अभी मैं ऑफिस से बैठा हूँ, अपने बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा तो वो बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद वो कुछ एक दो सेकेंड लेगा, फिर बैकग्राउंड अपने आप कट जाएगा। बैकग्राउंड कट जाने के बाद यहाँ पर एक ऊपर का ऑप्शन है इंसर्ट का, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। डायलॉग बॉक्स में हम जैसा बैकग्राउंड चाहते हैं, मान लीजिए इन सी, इन होटल, इन रूम, जैसा येलो, पीला, काला, नीला, जैसा चाहते हैं हम उस पर टाइप कर देंगे, ठीक है, और सर्च कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने टाइप किया था इन होटल, तो तरह तरह के होटल्स के बैकग्राउंड आ जाएंगे। तो हम जैसा भी बैकग्राउंड चाहिए हमको, हम वैसा सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मोर पर क्लिक करेंगे तो और भी सारे होटल की फ़ोटोज़ आ जाएंगी बैकग्राउंड के लिए। तो हम जैसा बैकग्राउंड चाहिए हम वैसा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान ली इन होटल, इन सी, इन माउंटेन, इन जंगल, इन फॉरेस्ट, जो भी चाहिए आप उस डायलॉग बॉक्स में सर्च करिएगा, आ जाएगा। अब लास्ट में सबसे ऊपर जो ऑप्शन देख रहेगा 3 डॉट, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने क्रिएटिव
एक्टिविटी कर रखी है, बैकग्राउंड चेंज कर रखा है, जो भी कर रखा है, आप वो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आप उस फोटोज़ को, उस इमेज को कर सकते हैं डाउनलोड। आप थ्री डॉट पर क्लिक करिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए, तो जो भी हमने अपने इमेज का जो बैकग्राउंड चेंज किया था और जो क्लॉथ चेंज किया था, वो आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आप कर सकते हैं डाउनलोड। तो दोस्तों ये है AI का जबरदस्त टूल, बस एक सिंगल क्लिक में आप ये काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।